आज फैसले को कैसे देखते हैं? फैसले मैं क्या एक को नहीं छोड़ूंगा, किसी को नहीं छोड़ेंगे हम। जो हम लीगली हम उसके खिलाफ एक्शन लेंगे। इसमें क्या रेमेडी है परवेज मुशर्रफ साहब का? इसके रेमेडी ये है, रेफरेंडम होना चाहिए मुल्क के अंदर। क्या जनरल परवेज मुशर्रफ ने 3 नवंबर का जो एक्शन किया था, क्या वो ठीक था या नहीं था? ये कौन सी बात है, सेक्टर इंटीरियर उठ के आके कंप्लेन कर देता है, जबकि जनरल परवेज मुशर्रफ ने उस वक्त प्राइम मिनिस्टर बाकी सब लोगों की, उस वक्त जो उसमें स्टेक होल्डर थे, सब लोगों की राय ली थी। और जनरल परवेज मुशर्रफ उस प्रेजिडेंट ऑफ पाकिस्तान भी थे, उसको निर्णय हासिल है, सब उसके जो करीब करीब लोग हैं सब उन्होंने मरवाया उसको। थैंक यू वेरी मच। एंड हम देखेंगे उनको इस हालत में पहुंचाने वाले जो है वो उनको लीगली हम डील करेंगे उनके साथ। अगर आप अक्यूज को फिर ट्रायल का मौका नहीं देते, जो कि पाकिस्तान की कानून में इस चीज़ की बाकायदा जमानत दी गई है, हर मुलजम को इस चीज़ का हक देते हैं कि उसको एक फेयर और इंडिपेंडेंट ट्रायल का मौका दिया जाए। मेरे नज़दीक आज की जजमेंट इसमें जिसे कहते हैं बेशुमार नुकायस है। अक्यूज जनरल परवेज मुशर्रफ को फिर ट्रायल दिए बगैर ये फैसला सादर किया गया। हमने 13 तारीख को 2 एप्लीकेशनें फ़ाइल की थी, 342 की स्टेटमेंट थ्रू कमीशन के लिए एक एप्लीकेशन इस वक्त कोर्ट के पास पेंडिंग थी, जिस पर आज मौजूदा अदालत ने ऑर्डर फरमाना था कि आया कि वो उस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करते हैं या रिजेक्ट करते हैं। उन्होंने उन 2 एप्लीकेशन को सुने बगैर, फाइनल आर्गूमेंट्स को सुने बगैर जजमेंट सुना दी है। जैसे कहते हैं स्पेशल कोर्ट ने 2-1 मेजॉरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से जनरल परवेज मुशर्रफ को स्पेशल कोर्ट में सेंटेंस दिए। सर इस पे अब क्या रेमेडी कोई अवेल कर सकते हैं परवेज मुशर्रफ साहब, कोई अपील दायर? जी जनरल परवेज मुशर्रफ साहब के पास रेमेडी अवेलेबल है और इंशाल्लाह ताला सुप्रीम कोर्ट में ये अपील फाइल करेंगे।